स्कॉलरशिप। अंकल देखो मैं जगलिंग कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो अंकुश? मैं स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहा हूँ। चलो बजरंगी जल्दी करो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो अंकुश? आज तो छुट्टी है ना? हाँ, लेकिन शायद तुम भूल गए कि आज फनीपुरा में स्कॉलरशिप टेस्ट है और किसी भी तरह मुझे वो स्कॉलरशिप जीतना ही है, क्योंकि फर्स्ट प्राइज मिलने वाले को साइकिल मिलेगी। हाँ, तुम्हारी साइकिल पुरानी हो गई है ना, तो चलो। ये आसमान से सारी चीजें मेरे ऊपर ही क्यों गिर रही है? हाय लेकिन बॉस, आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? आपको स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? आपके पास तो इतनी साइकिल्स है। क्योंकि बात सिर्फ साइकिल की नहीं है, स्कॉलरशिप जीतने की है, और पूरे फनीपुरा में बस एक ही विनर और स्कॉलर हो सकता है, और वो है रंगा। स्कॉलरशिप तो मैं ही जीतूंगा। You are right, boss. Good morning, sir. हाँ, बैठ जाओ बच्चों। आज जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए स्पेशल टीचर आई है वो है गीता मैम। हाँ? मम्मी आप? अंकुश, मम्मी नहीं, गीता मैम। रंगा, अपने आंसर्स लिखो, सबको डिस्टर्ब मत करो, यहाँ बात करना अलाउड नहीं है। अंकुश, डिसिप्लिन, मुझे यहाँ डिसिप्लिन चाहिए। सारे आंसर्स लिखते लिखते थक गया। बस रुको, अभी फैन फास्ट करता हूँ। करो। पेपर उड़ रहे हैं, कोई पकड़ो। मम्मी ये लो पेपर। थैंक्स अंकुश। क्यों अंकुश, कुछ लिखा भी है या खाली पेपर ही दे दिया? मतलब फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। लेकिन बॉस, शायद आपने देखा नहीं, टीचर तो अंकुश की मम्मी थी, और विनर तो वो ही बनेगा। ऐसे कैसे वो विनर बनेगा? क्यों, अंकुश की मम्मी तो अंकुश को ही फेवर करेगी ना। जैसे अगर आपकी मम्मी होती तो किसको फेवर करती? लेकिन रंगा के रहते ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मेरा प्लान देखो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, आज के स्कॉलरशिप टेस्ट के कॉपीज मिल ही नहीं रहे हैं। मैंने कॉपीज अपने बैग में ही रखी थी। पता नहीं अब क्या होगा, मेरी नौकरी भी जा सकती है। मुझे सुबह तक किसी भी हाल में इसे चेक करके रिजल्ट्स देने हैं। बजरंगी, हमें मम्मी की हेल्प करनी होगी। हाँ अंकुश, लेकिन कॉपीज बैग से गई कहाँ? कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गई? चलो देखते हैं। हाँ, चलो।
काम हो गया, अब आएगा मजा। बॉस, मैंने सुना है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। रंगा को सजा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या है, पूरा शर्ट गंदा कर दिया। साफ करो इसे। गंदा? किसी ने गंदा कहा? किसकी शर्ट गंदी हुई, वो भी धोता राम के रहते धोते धोते। इसकी सफाई हो गई है, अब धुलाई कर दो, वो भी धोते धोते। मम्मी की भाई, और वो भी रंगा के पास। हो गई सफाई, अब लग रहे हो साफ सुथरे, धोते धोते। बजरंगी, वो देखो मम्मी की फाइल, चलो। ताऊ जी, वो देखो, अंकुश आपके अखाड़े से फाइल लेके जा रहा है, वो भी आपसे बिना परमिशन लिए। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि धोता राम के अखाड़े से कोई बिना परमिशन लिए एक पत्ता भी ले जाए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर धोता राम अंकल, ये मेरी मम्मी की फाइल है, मुझे किसी भी तरह ये फाइल चाहिए। फाइल किसी की भी हो, है तो अखाड़े में। क्यों ताऊ जी? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें ये फाइल चाहिए तो कुश्ती करनी पड़ेगी, वो भी रंगा से। मुझसे? हाँ, और क्या, अगर तुमने रंगा को हरा दिया तो ये फाइल तुम्हारी। कुश्ती अभी दिखाता हूँ। बजरंगी रुको, इसे मैं देखता हूँ, इसने मेरी मम्मी की कॉपीज चुराई है। अब देखता हूँ अंकुश तुम्हें कौन बचाता है। ये, मैं जीत गया। रुको, हाँ? तुम फाइल ऐसे नहीं ले जा सकते। पर मैंने तो कुश्ती जीत ली रंगा। ताऊ जी, अगर ये आपके अखाड़े से फाइल ले जाएगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, सब आपका मजाक उड़ाएंगे और मैं सबको क्या बोलूंगा। आपके अखाड़े की कितनी बेइज्जती होगी। सही कहा रंगा। रुको अंकुश, तुम अखाड़े से फाइल नहीं ले जा सकते, इससे अखाड़े की बेइज्जती हो सकती है और मैं अखाड़े की बेइज्जती नहीं सह सकता। ठीक है अंकल, अगर आपके पहलवान मुझे पकड़ के दिखाए तो मैं ये फाइल नहीं ले जाऊंगा। ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। चलो शुरू हो जाओ सब। राम बचाओ, कोई तो नीचे उतारो। तुम लोग किस
किसी काम के नहीं। वांकश, तुम तो बहुत फुर्तीले हो, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। तुम मेरे अखाड़े पर कुश्ती सीखने आना हा? और हाँ, ये फाइल तुम्हारी हुई। थैंक यू धुतारा अंकल। रंगा, हर रोज सुबह 5 बजे तुम्हारी कसरत शुरू, तैयार रहना। वाह अंकुश, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? मैं तो परेशान हो गई थी। अंकुश के रहते हुए अंकुश की मम्मी को परेशानी कैसे हो सकती है? और इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए।